गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एन एटम और आयन इज अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज. सबसे ज्यादा से कम की तरफ यदि हम किसी भी मेटल आयन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज को व्यवस्थित रखते हैं तो उस सीरीज का नाम दिया हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सबसे पहले हमने लिखा लिथियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन और H2. H2 कौन सा है तुम्हारा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसके बाद वाले में हाइड्रोजन SHE के बाद जितने भी मेटल्स हैं उन सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव. जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही प्रबल क्या कहलाया जाएगा? ऑक्सीकारक. ऑक्सीकारक मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है इसके अंदर? रिडक्शन. क्या हो रहा है इसके अंदर? रिडक्शन. F2Cl2Br2I2 कैसे लिखेंगे हम? क्या हो रहा है इसमें? सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है? इसकी. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू नेगेटिव होगी वो उतना ही प्रबल क्या कहलाया जाएगा? ऑक्सीकारक. तो फ्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल लिथियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. क्या वैल्यू होगी इसकी? के पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. बेरियम की Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. कैल्शियम की 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. सोडियम की Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. बेरिलियम इज 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. एल्युमिनियम इज 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन. मैग्नीज इज प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब जिंक की वैल्यू क्या होती है? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. हरदम जिंक की वैल्यू हमें याद रखनी है कितनी होती है? प्लस 0.76 वोल्ट. क्या होती है? प्लस 0.76 वोल्ट. जिंक हरदम कैसी तरह बिहेव करता था? कौन सी रिएक्शन होती है जिंक पर? जिंक हरदम कौन सी रिएक्शन करेगा? कैथोड या एनोड? कैथोड पे क्या होती है तुम्हारी? राइट हैंड साइड रिएक्शन. जो हरदम कौन सा होता है तुम्हारा? राइट हैंड साइड पे कॉपर. और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है तुम्हारा? जिंक. जिंक की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को हरदम? 0.76 वोल्ट. कॉपर की कितनी दे रखी थी तुम्हें? माइनस 0.34 वोल्ट. जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही प्रबल क्या कहलाया जाएगा तुम्हारा? ऑक्सीकारक. क्या कहलाया जाएगा? ऑक्सीकारक. जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है वो सब तुम्हारे इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू इन सब में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या पाई जाती है? नेगेटिव. क्या पाई जाती है? नेगेटिव पाई जाती है. और उससे ऊपर वालों में सबकी वैल्यू क्या पाई जाती है? पॉजिटिव. तो लिथियम इज ए क्या कहलाया जाएगा तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल फ्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमें किस किस की वैल्यू याद रखनी है हरदम? जिंक की. क्या होती है यदि हाइड्रोजन के ऊपर है तो? प्लस 0.76 वोल्ट. यदि वो हाइड्रोजन के नीचे है तो सबकी वैल्यू क्या पाई जाएगी? नेगेटिव. हरदम कॉपर की याद रखनी है तुम्हें 0.34 वोल्ट. हाइड्रोजन की 0.0 वोल्ट. इट इज SHE. 2 आयोडाइड क्या बदल जाएगा तुम्हारा? I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. HG प्लस इलेक्ट्रॉन. Br किसे बदल जाएगा? Br2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही कोबाल्ट 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन. निकल प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. टिन प्लस टू इलेक्ट्रॉन. ये सब किसके नीचे है? हाइड्रोजन से ऊपर है. तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं. और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक. हम हैलोजन्स में देखते हैं F2Cl2Br2I2 सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होगा?
फ्लोराइड, क्योंकि इसके लिए वैल्यू क्या है, माइनस 2.65। हम इस सीरीज में देखते हैं कि जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, वो उसका रिडक्स पोटेंशियल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन SHE। जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे SHE से, दैट इज क्या कहलाया जाएगा तुम्हारा, लिथियम इज ए स्ट्रॉन्ग क्या कहलाया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव है, उस रिडक्स पोटेंशियल इज ए वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन द हाइड SHE। तो फ्लोराइड हमारा क्या कहलाया जाता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाइल लिथियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज हैं उससे हम क्या क्या इसका क्या क्या सीरीज से क्या क्या पता लगा सकते हैं, उसके बारे में टॉपिक का नाम है यूज ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा। इस रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा से हम किस किस के बारे में पता लगा सकते हैं, या रिडॉक्स विभव का उपयोग। फर्स्ट हम ऑक्सीकारक तथा अपचायक की आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना, ऑक्सीकारक एवं अपचायक की आपेक्षिक थे की तुलना। कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले प्रबल ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है, प्रबल ऑक्सीकारक जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रबल अपचायक किसे कहा जाता है, प्रबल अपचायक किसे कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको बोलते हैं हम प्रबल अपचायक। अब हम इस वैल्यू इस चीज को कैसे अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से उसका पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम इज चेंज इनटू लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या वैल्यू है इसके लिए, ई नॉट की वैल्यू 3.05 वोल्ट, क्या वैल्यू है इसकी 3.05 वोल्ट। जबकि पोटेशियम की वैल्यू क्या है, के पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू इज 2.92 वोल्ट। अब इनमें से कौन ज्यादा प्रबल अपचायक होगा, कौन होगा इसमें से, लिथियम और सोडियम में से प्रबल अपचायक कौन होगा, इनमें से लिथियम धातु पोटेशियम धातु की तुलना में प्रबल अपचायक है। वाय क्यों बड़ी अपचायक है, क्योंकि इसके ई नॉट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो लिथियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपैरिजन टू द पोटेशियम। ऐसे ही हम किसमें पढ़ सकते हैं, हैलोजन्स में, हैलोजन्स में क्या होगा,
हैलोजन्स में F2Cl2Br2I2 की तरफ जाते हैं तो इनका ऑक्सीकरण क्षमता का क्रम धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो सबसे प्रबल कौन सा होगा? F2Cl2Br2I2। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी ऑक्सीकारक क्षमता? इसकी F2 की 2.65। फिर किसकी होगी तुम्हारी? Cl2 की -1.35, Br2 की -1.06 और आयोडाइड की 0.53। तो प्रबल अपचायक कौन सा है तुम्हारा? लिथियम। प्रबल ऑक्सीकारक क्या है तुम्हारा? फ्लोराइड F-। इसलिए पूरी आवर्त सारणी में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रबल ऑक्सीकारक तो माना जाता है तुम्हारा फ्लोराइड और प्रबल अपचायक तुम्हारा क्या माना जाता है? लिथियम। तो हम रिडॉक्स डाटा से प्रबल अपचायक और प्रबल ऑक्सीकारक के बारे में पता कर सकते हैं। सेकंड इज किसी रिडॉक्स रिएक्शन का संपन्न होना या नहीं, किसी रिडॉक्स रिएक्शन का संपन्न होने का अनुमान। टू डिटरमाइन क्या निकाल सकते हैं हम? टू डिटरमाइन पॉसिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन संपन्न होगी या उसकी फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी है या नहीं, इसके बारे में भी हम इस रिडॉक्स डाटा से पता लगा सकते हैं। जैसे यदि ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यदि वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आएगी तो वो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट चलेगी और किस डायरेक्शन में चलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यदि ई नॉट सेल की वैल्यू, यदि वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो वैल्यू कहां जाएगी? राइट टू लेफ्ट, और कौन सी डायरेक्शन में चलेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यदि रिडॉक्स वैल्यू, रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तभी वो सेल वर्क करेगा, और यदि ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? नेगेटिव आएगी तो वो सेल वर्क नहीं करेगा। इस रिडॉक्स विभव के उपयोग या डाटा से हम ये पता लगाएंगे कि रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑक्सीकारक यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ स्थित है तो वो किसी भी अपचायक के साथ क्रिया करके उसको क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी यदि कोई अपचायक है, अपचायक कौन से हैं तुम्हारे? ऊपर वाले, और नीचे वाले क्या है? ऑक्सीकारक। कोई भी यदि अपचायक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो अपने से नीचे स्थित किसी भी ऑक्सीकारक को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। क्या बोला मैंने? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी अपचायक है, जैसे मैंने माना ये जिंक, ये क्या है? अपचायक। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अब इससे नीचे स्थित कौन कौन से हैं? आयरन को कर सकता है ये, फॉर एग्जाम्पल Ag को कर सकता है ये, और किसको कर सकता है? हाइड्रोजन को कर सकता है, कॉपर को कर सकता है। इन सबको वो क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। खुद क्या है? खुद क्या है? अपचायक है। तो किस किस को रिड्यूस कर सकता है? अपने से नीचे स्थित ऑक्सीकारक क्रिया करके किस किस से? फर्स्ट आयरन को कर सकता है, कोबाल्ट, निकल, इन सबको। जिंक क्या कर सकता है? रिड्यूस। अपने से नीचे वाले को जिंक क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जिंक अपने से ऊपर स्थित एल्युमिनियम, मैग्नीज, बेरियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको क्या नहीं कर सकता? रिड्यूस या अपचयित नहीं कर सकता है। केवल अपने नीचे से स्थित, नीचे कौन कौन है जिंक के नीचे? आयरन को आयरन प्लस टू में कर सकता है, प्लस टू से अप रिड्यूस। आयरन टू पॉजिटिव किसमें बदल गया? आयरन में। एजी, एजी पॉजिटिव एजी में।
एच पॉजिटिव एच में, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में, जो भी उसके नीचे स्थित है उन सबको वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अपने से ऊपर वालों में किसी को भी वो अपचेत नहीं कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यूज ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। कोई रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं तो जिंक केवल अपने नीचे से स्थित सबको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। कोई भी अपचाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे स्थित ऑक्सीकारक से क्रिया करके उन सबको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, जबकि अपने ऊपर से उनको रिड्यूस नहीं कर सकता है, इन सबको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। केवल अपने नीचे जो स्थित होंगे उसको तो वो क्या करेगा, रिड्यूस, और यदि ऊपर होंगे तो उसको वो क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। थर्ड यूज ऑफ रिडॉक्स डाटा इज किसी भी रिएक्शन के स्वतः होने का अनुमान, प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं होगी उसका अनुमान, यदि ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन संपन्न होगी, यदि ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शन संपन्न नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव प्लस 10 गिव राइज टू कोबाल्ट प्लस 10 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव चेंज इनटू कोबाल्ट, क्या हो रहा है इसमें, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी प्लस 2, यहां 0, कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन, क्या हो रहा है इसमें, रिडक्शन, और रिडक्शन हरदम कहां होती है, कैथोड पर। Sn चेंज इनटू Sn प्लस 2, ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 था, यहां प्लस 2 है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हरदम क्या होती है, एनोड पर। इसके लिए ई नॉट की वैल्यू है 0-0.27 वोल्ट, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू है प्लस 0.14 वोल्ट। ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। क्या वैल्यू है कैथोड की, माइनस 0.28 माइनस प्लस 0.14। ई नॉट सेल की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो ये रिएक्शन संपन्न नहीं होगी, जबकि हमने जो फर्स्ट एक एग्जांपल देखा था जिंक एंड कॉपर का, जिंक एंड कॉपर में अपन ने क्या देखा था, कॉपर इज एक्ट एज ए कैथोड, कॉपर ने किसकी तरह बिहेव करा था, कैथोड की तरह, और जिंक ने किसकी तरह बिहेव करा था, एनोड की तरह। उसमें ई नॉट की वैल्यू हमारी आई थी प्लस 1.10 वोल्ट, तो जिसमें ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो रिएक्शन संपन्न होगी, और ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आने पर वो रिएक्शन संपन्न नहीं होगी। हरदम ई नॉट का फॉर्मूला क्या लिखा है अपन ने, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। हरदम कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन, और जबकि एनोड पर कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। कैथोड को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जिसमें भी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी दिस रिएक्शन कैन बी प्रोसीड, व्हाइल व्हेन ई नॉट वैल्यू इज नेगेटिव द रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोसीड।